सर जवान आ चुकी, कैसी लगी आपको? मेरे को तो यार काफी ज्यादा अच्छी लगी यार। क्या खास लगा मूवी में? फिल्म में मेन मेरे को यार शाहरुख खान ही खास लगे कसम से, क्योंकि मैं किंग खान का डाई हार्ड फैन हूँ और उनकी फिल्में मेरे को ज्यादातर पसंद आती है हमेशा से ही। फिल्म कहीं बोर करती? नहीं, फिल्म कहीं बोर नहीं करती। इसमें भाई शाहरुख खान को क्लीन से में देख के यार लगता है यार कि क्या मॉडर्न जमाना है, मतलब क्या ही हमारे शाहरुख खान जितनी ज्यादा एज इनकी बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा यंग होते जा रहे हैं। 57 की उम्र में भाई 27 के लगते हैं कसम से, मैं रियल बात बताऊँ। और इनका इसमें जो वो है क्या कहते हैं आउटफिट है, मतलब जो उनका लुक है, जो शर्ट पैंट पहनते हैं वगैरह वगैरह, तो भी बहुत ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, मतलब एक नंबर। और इस फिल्म में यार पैसा तो हचक के लगा है, मतलब फेल के लगा है। और पहली बात कि इस फिल्म का बजट इतना ज़्यादा इसलिए भी नहीं था क्योंकि भाई रेड एंटरटेनमेंट चली इससे आया है, जो कि ओनर है इसकी गौरी खान, और सभी को पता है गौरी खान नाम बस, बाकी वो शाहरुख खान ही मालिक। तो यार ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी इसमें दीपिका पादुकोण का जो छोटा सा रोल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। हालांकि पूरी फिल्म में तो हमें नयनतारा और शाहरुख खान को रोमांस देखने को मिला, और साथ ही साथ क्या लगता है ये फिल्म देखिए रिसेंट में गदर ने रिकॉर्ड बनाए थे, तो उन सभी फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ पाई? देखिए गदर ने रिकॉर्ड बनाया था बात सच है, लेकिन गदर ने रिकॉर्ड ऐसा बनाया था कि 10 दिन के अंदर उन्होंने, मतलब 10 दिन की जो कमाई थी पठान की उस लेवल पे, उस परसेंटेज के बेस पे 10 दिन की कमाई के मामले पीछे छोड़ा था। बाकी नेट कलेक्शन के मामले में पठान से अभी भी पीछे है गदर 2, ठीक है। और अभी गदर 2 उतना ज़्यादा कमा भी नहीं रही क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गदर 2 को आए, तो मेरे हिसाब से पठान का जो नेट कलेक्शन था उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा जवान, मतलब कि शाहरुख खान ही रिकॉर्ड ब्रेक करेगा शाहरुख खान का। तो ओवरऑल देखा जाए तो मूवी बहुत ज़्यादा शानदार। कितने स्टार देने चाहेंगे इसमें? मैं इसको दूंगा सर 5 में से पूरे 5 स्टार।